महानगर में सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठाना, नाला नालियों की समुचित सफाई, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, वर्षा एवं जलभराव के दृष्टिगत जलभराव स्थल से जल निकासी कराने सहित अन्य कार्यों को सुचारू रूप से संपादित कराने एवं जांच हेतु नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन नगर निगम के सदन हॉल में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नोडल अधिकारी किसी भी दशा में अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करेंगे, साथ ही जिन कार्यों का उन्हें दायित्व दिया गया है उसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में जनता को पेयजल अथवा शौचालय की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हुए पानी के टैंकर व मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था कराएंगे। प्रतिदिन अपने संबंधित वार्ड का संपूर्ण निरीक्षण करते हुए पार्षद एवं अन्य स्थानीय प्रतिष्ठित जनता से भी संपर्क में रहेंगे, साथ ही मोबाइल नंबर का भी आपस में आदान प्रदान कर लेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों अथवा कार्य प्रभारियों को अवगत कराकर समस्या का निस्तारण करा सकें। साथ ही साथ प्रतिदिन के भ्रमण व संपर्क अभियान के उपरांत व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो व संक्षिप्त रिपोर्ट अपलोड करेंगे। यदि किसी भी नोडल अधिकारियों को क्षेत्र में समस्या आती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी अथवा उनसे किसी अन्य व्यवधान के कारण बात ना होने की स्थिति में मेरे स्वयं के मोबाइल नंबर 7311180300 पर सीधे संपर्क कर वस्तु स्थिति से अवगत कराएं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान त्वरित गति से कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, दूसरी चीज यहाँ पे पेट्रोल पंप में पानी भर गया है, निकालना संभव नहीं हो पा रहा है, एकदम से काला पानी हो चुका है, तो होता है कि वहाँ मच्छर पानी होते ही है और वहाँ डीजल या जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जून के माह में आंशिक रूप से और जुलाई और अगस्त के पूरे महीने में जनपद गोरखपुर में मूसलाधार बारिश होती रही है। 21 तारीख से लेकर और 26 तारीख के बीच में जो औसत वर्षा होती है उससे लगभग 57% ज़्यादा बारिश हो चुकी है और कल रात भी जो मूसलाधार बारिश हुई है 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई है, जिसकी वजह से नगरी क्षेत्रों में जो वाटर लॉगिंग करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी पुनः कुछ जगहों में वाटर लॉगिंग हो गई है। इसके साथ ही जो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, राप्ती, रोहिणी नदी और जो हमारा चिलुआ ताल है, उसकी वजह से जो नगर निगम के सीमा के भीतर जो नए 32 गांव आए हैं उनमें भी कई गांव जो हैं प्रभावित हुए हैं उन बाढ़ के पानी से। और आज भी हम लोगों ने मौके पर जाकर जंगल बहादुर सिंह और गाँवों में हमने जाके निरीक्षण किया, देखा और पब्लिक की जो डिमांड तत्कालिक, जैसे कि पानी का टैंकर था, मोबाइल टॉयलेट था और एक वहाँ पर पक्का जो है पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग एक टॉयलेट की व्यवस्था, नहाने वाले बाथरूम की व्यवस्था, उसके लिए पूरा व्यवस्था करके वहीं पे घोषणा कर दी गई है। हो सकता है अगले 2-3 दिन में मैं वहाँ जाकर उसको जो है वहाँ पर उसका उद्घाटन करके नींव खुदवा के काम शुरू करा दूँ। इसके साथ ही साथ चूँकि बारिश में पानी जो लग रहा है कई जगहों पर उसकी वजह से संक्रामक रोग फैलने की संभावना है, जैसा कि आपने देखा कि फिरोजाबाद और मथुरा में भी कुछ संक्रामक रोग फैला, उसको ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी सारी मशीनरी को गिरफ्त कर दिया है। नगर निगम का एक भी जो कर्मचारी कह लीजिए या एक भी अधिकारी सुबह को सबको 7 बजे से लेकर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से फील्ड में किया गया, फील्ड भी देखें, अपना काम भी देखें और 2 बजे से लेकर आकर शाम 6 बजे तक अपने ऑफिस का काम निपटाएं। मतलब पब्लिक से रिलेशन, पब्लिक की समस्याएं, जन समस्याओं का समाधान नंबर एक की प्रायोरिटी पे है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपने यहाँ के 70 अधिकारियों को ऐसे हैं जिनको कि हमने लगाया है कि वो वार्ड में जाएंगे और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम करने का उसको देखेंगे किस प्रकार की कार्य की क्या गुणवत्ता है, फॉगिंग हो रही है कि नहीं, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं। हमने प्रत्येक वार्ड में 1,000 क्लोरीन की गोलियाँ बंटवाना शुरू कर दिया है।
पार्षद जी के माध्यम से और सुपरवाइजर के माध्यम से और जो हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है उस मोहल्ला निगरानी समिति में 6 लोग हैं। इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 420 से ऊपर संख्या में ऐसे लोगों को लगाया है जो कि गाँव मतलब वार्डों में जा रहे हैं, हमारे इन प्रकार के नवीन गाँवों में जा रहे हैं जहाँ पर कहीं पर भी संक्रामक रोग फैलने की समस्या है, क्लोरीन की गोली कैसे उसको खाना है इसको बता रहे हैं। हम पंपलेट भी बंटवा रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि पानी को आप उबाल कर पीजिए, पानी को उबाल कर पीजिए और उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हें और क्या क्या प्रिकॉशन लेना इसके बारे में भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। प्लस हम पूरे इस इलाके को सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। शाम को हमारी जितने 34 टीमें लगी हैं जो कि जाकर फॉगिंग कर रही हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है, मेलंथियन और चूने का घोल का हर नालियों के आसपास छिड़काव कराया जा रहा है। कहने का मतलब नगर निगम की टीम इस संकट की घड़ी में, इस प्राकृतिक कह लीजिए मुसीबत की घड़ी में हम सभी लोग पूरी टीम जो है मुस्तैद है, जन सामान्य की सुख दुख के सहभागी बनते हुए उनके साथ खड़े हैं और कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर दिक्कत न होने दिया जाए। अधिक समस्या है जो लोग छतों पर शरण लिए हैं, कुछ लोग बंदे पे चले गए, कुछ लोग छतों पर, तो छतों पर शरण लिए हैं उनके पास पालथीन और बरसाती नहीं है और बारिश आ रहा है। देखिए हमारे पास जो भी बता दूँ कि जो नगर निगम की सीमा तक की जहाँ तक बात है, आप देखिए कि हमने हर जगह बंधों पर जो लोग आ गए हैं या कहीं आस पास के गाँव से भी आ गए हैं तो हमारे जनपद के निवासी हमारे ही लोग हैं, हमने पूरे एरिया में लाइट लगवा दी है, बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट लगी हुई है जिससे पर्याप्त प्रकार, क्योंकि शाम होने के बाद सांप बिच्छू के निकलने के डर रहते हैं, इसके लिए प्रकाश की पूरी व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ डिमांड की गई है हम वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट भिजवा चुके हैं, जहाँ मांगा जा रहा है वहाँ भिजवा रहे हैं। पीने के पानी के पर्याप्त से ज़्यादा हमारे पास टैंकर हैं, हम पीने के पानी शुद्ध पेयजल उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये हर चीज़ के हमारे पास मतलब संज्ञान में है और हमने 2 कंट्रोल रूम लगातार 24/7 के हिसाब से चल रहे हैं। एक कंट्रोल रूम हमारे नगर निगम के कार्यालय में चल रहा है, एक हमारे कैंप ऑफिस पे चल रहा है जिसमें कि हर समय आदमी मौजूद है, कहीं से कोई भी समस्या आ रही हो सभी जितने 70 जो नोडल ऑफिसर के अलावा हमारी पूरी मशीनरी है, जितने हमारे अधिकारी हैं सबको सैनिटाइज कर दिया गया है, सभी लोग फील्ड में हैं, कहीं से कोई भी समस्या आ रही हो तत्काल उसका निराकरण किया जा रहा है।